15,000 rupees cancer medicine was just manufactured at around 3,000 rupees from the manufacturer. Store owner से लेके customer तक जाने तक जो 10 रुपए का चीज heavy marketing cost के वजह से पैसा कहाँ से आएगा? लोगों से आने वाला है. बिल्कुल. Marketing का पैसा. तो वो 1,000 रुपए में बेचा जाता है. ये सोच के काम मत करिए कि रतन टाटा सर जुड़ेंगे नहीं तो कोई अच्छा बंदा जुड़ेगा. मैंने जब शुरुआत किया था तब मैंने अकेले नहीं किया था. रिसेंटली उत्तर प्रदेश में आगरा में जब मैं था तभी कुछ ड्रग माफियाज ने वहां पर मतलब कुछ अटैक वगैरह हुआ. अच्छा, आपके ऊपर अटैक. आपके उम्र को कभी आपके इनोवेटिव आइडियाज के बीच में मत आने देना. आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 15 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, 50 साल का हूँ. नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर बैठे हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में एज अ स्टूडेंट एक स्टार्टअप की शुरुआत करी जिसका वैल्यूएशन 4 साल में 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार उनको रतन टाटा जी ने भी फंड किया है एंड वो बिल्कुल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं. उनको वंडर किड ऑफ फार्मा भी बोला आता है. डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार कैसे उनको एक आइडिया आया, कैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया, यूथ कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कैसे उनको रतन टाटा जी से मेंटरशिप मिल सकता है और क्या क्या बिजनेस आइडियाज यूथ को भी परस्यू करना चाहिए ताकि वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर पाए सोसाइटी में. तो वेलकम अर्जुन ऑन फाउंडर ज्ञान. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. तो एक्चुअल में जेनेरिक आधार है क्या एंड क्यों सिर्फ आप ही इतने सस्ते में मेडिसिन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतने सालों से चल रही है, वो क्यों नहीं डिस्काउंट कर रहे हैं? पहले तो जेनेरिक आधार ने जो आज मतलब मैंने जब शुरुआत किया था डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. आज MNC कंपनी जो होते हैं आज हमारे देश में हमारे मैन्युफैक्चर से मेडिसिन बना के लेते हैं जिसको थर्ड पार्टी बोलता है. वो जो 10 रुपए का चीज़ है उसके ऊपर मैं भी वही मैन्युफैक्चर से लेता हूँ जहाँ से MNC कंपनी बना के लेती है. वो भी 10 रुपए में खरीदती है, मैं भी 10 रुपए में खरीदता हूँ. वो लोग जो उनका नाम लगाते हैं 10 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर तो वो लोग बेचते 1,000 रुपए में बिकॉज उनके पास में इतना बड़ा सप्लाई चेन है बीच में. इतना ज्यादा इतना क्योंकि उसके उसके उनके बीच में 10-15 सप्लाई चेन में बीच में मिडल मैन है. उसके बाद में मेडिकल स्टोर ओनर से लेके कस्टमर तक जाने तक जो 10 रुपए का चीज हैवी मार्केटिंग कॉस्ट की वजह से पैसा कहाँ से आएगा? लोगों से आने वाला है. बिल्कुल. मार्केटिंग का पैसा. तो वो 1,000 रुपए में बेचा जाता है. मैंने क्या किया, इकोसिस्टम ऐसा बनाया डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द स्टोर एंड वहां से डायरेक्ट कस्टमर. अच्छा, तो आज हमारे बीच में क्या क्या आते होंगे? मतलब आप जैसे बोले मैन्युफैक्चरर से लेके स्टोर के बीच में काफी प्लेयर्स होते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं? मतलब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग होते हैं, जैसे CNF एजेंट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, सुपर स्टॉकिस्ट हो गए, सो एंड सो. हर एक कंपनी उनका खुद का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है. वो लोग मतलब अगर आपने सुना होगा कोविड के टाइम में इट वॉज अ ह्यूज काइंड ऑफ सिचुएशन केम इन कोविड. हमको पता चला कि फार्मा इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है. सो मुझे लगता है कि कोविड के टाइम ने हम सबको समझा दिया कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में और मार्केटिंग प्राइस में ह्यूज डिफरेंस होता है. रेमडेसिविर का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो एक रेमडेसिविर वॉज सेलिंग एट अराउंड 120,000, 150,000 और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वॉज जस्ट 1,000 रुपीस. इतना ज्यादा क्योंकि इतनी डिमांड थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था. तो आज की तारीख में लोगों को समझना है बहुत जरूरी. आज हमारे देश में पूरे देश में 3,000 से ज्यादा आउटलेट्स है. वी आर इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ फार्मेसीज. ओके, विद अवर बोर्ड ऑन द टॉप ऑफ इट, विद अवर सॉफ्टवेयर इनसाइड द स्टोर, विद अवर प्रोडक्ट्स ऑल इनसाइड द स्टोर विच द कंज्यूमर्स आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. सेकेंड पॉइंट ओवर हियर इज दैट कोविड के टाइम में हम लोगों ने रेमडेसिविर जब 1.5-1.5 लाख रुपया मिलता था मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए लोगों को. और बिल्कुल फ्री मैंने फ्री में दिए. आज भी वो मीडिया में है और तो मैंने मैसेज दिया था कि दिस इज नॉट द टाइम टू ब्लैक मार्केट द मेडिसिन, दिस इज द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी. तो मुझे लगता है एक 20 साल की उम्र में मतलब मुझे लगता है कि 20-22 साल की उम्र में जब ये इतना लोगों का ब्लेसिंग्स आ रहा है सो वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी. MNCs कंपनीज को भी हमेशा मैं यही चीज कहता हूँ कि पैसा तो हम सबको कमाना है. बिल्कुल. बट एक माध्यम से, एक तरीके से. अर्जुन, आपने ऐसा ही बोला कि काफी MNC प्लेयर्स हैं, बहुत मार्जिन होता है, बहुत पैसे कमाते हैं. तो कभी आपको थ्रेट नहीं आया क्योंकि ये प्लेयर्स अगर इतना पैसा कमा रहे हैं, आप अगर जाएंगे थोड़ा बहुत तो आप इनका मार्केट को हिलाते होंगे ना? कभी आपको इन माफियाज या इनसे कभी थ्रेट नहीं आया, या अगर आया उनको आपने डील कैसे किया? थोड़ा नहीं, पूरा हिला दिया अभी. अच्छा, पूरा हिला दिया ना पूरे देश में भी. बिल्कुल. आज मतलब जन औषधि का अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में सिर्फ 800 करोड़ लोग पूरा उनका टर्नओवर हुआ. जेनेरिक मेडिसिंस का मतलब जेनेरिक मेडिसिंस की वजह से पूरे देश में लोगों का 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लोगों का बचा. तो पूरा हिला दिया है. साल में इतना बच रहा है पैसा.
बच रहा है ना, गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है आज के तारीख में जेनरिक आधार की वजह से ऐसे बहुत सारे थे कि छोटे मोटे, मतलब जब मैं बहुत 16-17 साल का था तब ऐसे फोन वगैरह आते थे कि ऐसा मत करो, यहाँ पर स्टोन मत डालो, वहां पर मत, बट उन्होंने तब मुझे सीरियसली नहीं किया। उनको लगे यार छोटा सा बच्चा क्या ही कितना ही कर लेगा, कर करके कितना ही खोल लेगा, क्या ही करेगा। तो तब उनको कुछ मुझे हार्म करना उन्हीं के लिए नुकसान था, क्योंकि वो तो इतना में कुछ बड़ा कर नहीं रहता। बट आज इतना ही हो गया कि उनको सच में लगा कि तभी कुछ कर देते तो अच्छा हो जाता। तो नहीं आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में आगरा में जब मैं था तभी कुछ ड्रग माफियाज ने वहां पर मतलब कुछ अटैक वगैरह हुआ था। आपके ऊपर अटैक? हाँ, मेरे ऊपर अटैक। तो फिर उसके बाद में तो अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है ये चीज सब चीजें जो है ऐसा ना, डर लगता है कि थोड़ा रिस्की मूव है कि अब आप लाइमलाइट में हैं और इतना इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं करते रहे, आज लोगों को पता है, लोगों को अवेयरनेस है, आज राष्ट्रपति मैडम खड़े हैं, रतन टाटा सर खड़े हैं, लोग खड़े, आप खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज के माध्यम से लोगों के लिए काम करते रहना है, ये चीज से डरना नहीं है, एंड वो चीज मैं कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब उन्होंने तो डराते रहेंगे बट आप रियली इससे बात चलता है ना, आपने रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया, दैट इज द थिंग। इंटरेस्टिंग। एंड अगेन, आप ये मेडिकल फील्ड में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आपको अंदर का चीजें पता होगा, आपको क्या लग रहा है कि इनका क्या क्या ऐसे स्कैम्स होते हैं, क्या क्या डार्क रियलिटीज हैं जो कि जनता को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अब आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। आज मतलब बहुत डॉक्टर्स से मैं बात करता हूँ, बहुत डॉक्टर्स मेरे पास साथ में जुड़े हुए हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हुए सभी लोग। तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में हमारे इंडिया में लोग जब मांगते हैं चीजें मेडिकल स्टोर ओनर से, तो मॉलिक्यूल के नाम पर मांगनी चाहिए। अच्छा, मॉलिक्यूल मतलब अगर हमारा कोई भी फार्मासिस्ट होता है, नहीं तो हमारे कोई भी डॉक्टर होता है, तब वो लोग जब एग्जाम देते हैं तब वहां पर क्वेश्चन उनको आता है कि अगर किसी को बुखार आया तो उसको क्या देना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग लिखते हैं पैरासिटामोल। तो कुछ ऐसा गिने चुने लोग आज भी ऐसा हो सकते हैं कि जो क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करते हैं वहां पर, क्योंकि उनको कमीशन या कुछ मिलता है, मुझे पता नहीं क्या मिलता है उनको। बट आज मोदी जी के, नहीं तो गवर्नमेंट, राष्ट्रपति मैडम, सुप्रीम कोर्ट सबने ऑर्डर दिया है कि लोगों को मेडिसिन से मॉलिक्यूल के नाम से खरीदना चाहिए, मतलब पैरासिट। आज हम लोग अगर कोई मैन्युफैक्चरर को, मैं भी नहीं तो कोई भी एमएनसी ऑर्डर देता है मैन्युफैक्चरर को, ये दवा हमारे लिए बना, तो हम लोग ब्रांड के नाम से नहीं देते, उनको कंपोजिशन के नाम से ऑर्डर देते हैं, परचेस ऑर्डर जो बोलते हैं ना पीओ, तो वो मैं बोलता हूँ कि मेरे को पैरासिटामोल दे इतना। अच्छा। तो वो बोलेंगे यार आपको क्या आपका नाम डालना है। हाँ। तो वो तो छापना है ना, उनको तो प्रिंटिंग हो गया, बिल्कुल, वो तो प्रिंटर का काम हो गया। तो मुझे लगता है कि ये चीज लोग समझना बहुत जरूरी है, और वो आज के तारीख में हम लोग कर रहे हैं। तो अर्जुन, आपने काफी यंग एज में 16 साल की उम्र में ये स्टार्टअप की शुरुआत करी, तो आई थिंक तब आप 10th क्लास शायद पास हुए होंगे। एंड इस एज में यूजुअली बच्चों को ये होता है यार मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, ह्यूमैनिटीज लूँ, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो पहली बार आपको आइडिया आया कैसे? एंड मान लो कोई स्टूडेंट को आइडिया आता भी है, आपने डिसाइड कैसे किया कि यार ये मुझे करना है, मतलब वो पहला स्टेप कैसे लिया, क्योंकि वहाँ पर मेजर जनता फंस जाती है। मेरा जस्ट 10th का एग्जामिनेशन जस्ट हुआ था, और मैं मेरा जो 10th और 11th के बीच का, कॉलेज के बीच का जो हमको हॉलीडेज मिलता है, समर वेकेशन आप बोल सकते हो उसको, तब मैं ऐसे ही एज ए यंगस्टर में मेरे नियर बाय मेडिकल स्टोर में विजिट करने गया था, कुछ तो खरीदने गया होगा वहाँ पर मैं, और वहाँ पर मैंने देखा कि एक दादाजी थे, उनकी उम्र मुझे लगता है अराउंड 70-80 ईयर्स की थी, और उनको मेडिसिन चाहिए थी उनके कैंसर के लिए, उनके वाइफ को हुआ था कैंसर, और उनके वाइफ को मेडिसिन जो थे हर महीने 15,000-20,000 रुपए के लेने पड़ते थे। सो एज ए यंगस्टर, एज ए यंग किड, वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि आज हमारे देश को, जब पूरे वर्ल्ड का फार्मा इंडस्ट्री, हम लोग सबसे ज्यादा फार्मा के मेडिसिन पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो आज भी हमारे देश में अगर ये परिस्थिति है, सो दिस वॉज नॉट मतलब गुड टू सी ऑन ग्राउंड। सो मैंने वही चीज नेट पे जाके सर्च की, तो आई फिगर्ड आउट द 10,000-15,000 रुपीज कैंसर मेडिसिन वॉज जस्ट मैन्युफैक्चर एट अराउंड 3,000 रुपीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मतलब 1/5 से भी कम कॉस्ट, 1/5 से भी कम कॉस्ट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी और जो सेलिंग प्राइस एमआरपी थी, उसमें अराउंड, मतलब जैसे आपने कहा कि 1/5 का डिफरेंस था, सो मैंने सोचा कि मेडिसिन जो है वो आज हमारे देश में वो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, वो कपड़े नहीं है, नहीं तो परफ्यूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिक नेसेसिटी है, अगर वो किसी को समय पे नहीं मिली तो उसको हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो वहां से वो एक चीज की शुरुआत मेरे माइंड में है कि ये काम करना चाहिए, ये सिचुएशन में काम करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ऐसा विचार नहीं था कि बिजनेस ही करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब 16 साल का उम्र था, मतलब ऐसा क्या ही सोचूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं था, जेब में सिर्फ 15,000 रुपए से मैंने जेनरिक आधार की शुरुआत की थी। एंड जब मैंने 15,000 रुपीज से मैंने जेनरिक आधार की जब शुरुआत की थी, मैंने पहले जब, मतलब द जेनरिक आधार मॉडल अगर आप समझेंगे, इट इज एन एग्रीगेटिंग टू द मॉम एंड पॉप मेडिकल स्टोर्स, मतलब आज हमारे देश में 1 मिलियन
मतलब 10 लाख से ज्यादा एग्जिस्टिंग छोटे दुकानदार है। मैंने डे वन से क्या किया, उनको मेरे साथ में जोड़ना शुरू किया, क्योंकि मैं मेरा खुद का मेडिकल डाल नहीं सकता था क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे। तो मैं उनको मेरे साथ में लेके गया, उनको टेक्नोलॉजी से लेके, ब्रांड से लेके, ऑल मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल करने से लेके, उनको डिस्काउंट कस्टमर को देने से लेके, वो मैंने शुरुआत किया। तो मेरा पहला स्टोर मैंने, मतलब मुझे लगता है 300 से 400 मैं स्टोर टू स्टोर विजिट मैंने खुद ने किया, 300 वो टाइम, मतलब 16 साल की उम्र में, इतना भी मतलब उस टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि अभी 3-4-5 साल पहले की बात है। तो मुझे लगता है तब मैं जब जा रहा था वहां पर 200-300 ज्यादा रिजेक्शन मुझे आए। बहुत सारे मेडिकल तो बोलते थे यार आप 16-17 साल का बच्चा हमारी क्या ही मदद कर देगा, बट मैं वो कंटिन्यूसली रखा। तो मेरा पहला मेडिकल स्टोर कन्वर्ट हुआ, एंड उसके बाद में वो इनॉग्रेशन होने के बाद में कस्टमर को फायदा होने लगा। मेडिसिन जो डायबिटीज का मेडिसिन है, जो पहले उनका बिल महीने का 4,000-5,000 आता था, वी ब्रॉट डाउन टू अराउंड जस्ट 1,200-1,500 रुपीस। इतना डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट्स, ह्यूज, मतलब आई ऑलवेज टेल डिस्काउंट्स ज्यादा मेडिसिन एट ट्रू प्राइस। Okay, मतलब डिस्काउंट्स मैं नहीं देता हूँ, मैं मेडिसिन्स ट्रू प्राइस पे देता हूँ, जो सच्ची प्राइस है मेडिसिन्स की, जो बनाते हैं और जो बेचते हैं, ये दोनों को संभाल के डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाता हूँ। You're getting my point. It is an ecosystem what we have built on, and मुझे लगता है आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये चीज is a basic necessity. तो आपको काफी यंग एज में रतन टाटा जी से भी फंडिंग मिली, of course वो इतने बड़े entrepreneur हैं, सबको टाइम इतना देते नहीं है, एंड काफ़ी यंगस्टर्स को भी उनसे सीखने का चांस चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई यंग बंदा है कुछ बनाना चाहता है, उनको भी रतन टाटा जी से मेंटरशिप चाहिए, क्या रीज़न है या कैसे वो कर सकते हैं कि वो उनको एक्सेस कर पाए, क्योंकि सबके लिए तो वो अवेलेबल नहीं है ना। मुझे लगता है काम करिए, ये सोच के काम मत करिए कि रतन टाटा सर जुड़ेंगे नहीं तो कोई अच्छा बंदा जुड़ेगा। मैंने जब शुरुआत किया था तब मैंने अकेले नहीं किया था, करेक्ट, लोग अच्छे अच्छे लोग सपोर्ट करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए जुड़ते गए। मुझे लगता है कि एक साल मैं जब इसके बारे में पूरा काम कर रहा था, मेरे 25-30 स्टोर हो रहे थे, मेरा पहला टेडेक्स का टॉक बहुत वायरल हुआ था कि हाउ एन 17 ईयर्स ओल्ड किड इज चेंजिंग दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर बेटरमेंट ऑफ कॉमन मैन। वो रतन टाटा सर ने तब देखा था और उनको अच्छा लगा, तब रतन सर ने बोला था मुझे इसको मिलना ही मिलना है कि ये कैसे हेल्थ केयर को अच्छा बना रहा है। तो मैंने समझाया था उनको, मेरा 20 मिनट का मीटिंग था, वो चला था 2-3 घंटे तक। तब रतन सर ने डिसाइड किया, जस्ट आई डोंट वांट टू मेंटर यू अर्जेंट, बट आई आल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। तो रतन टाटा सर का सपना था कि हेल्थ केयर को अच्छा बनाना, मुझे लगता है हम लोग झंडिका दल के माध्यम से उनके सपने को साकार कर रहे हैं। और रतन टाटा सर के बारे में हम लोग जितना, मतलब उनके बारे में, उनकी सिंप्लिसिटी, उनको देश के प्रति काम करने की इच्छा, लोगों के प्रति काम करने की इच्छा, मतलब मैं ऐसा, मतलब मैंने मेरे जिंदगी में किसी को नहीं देखा है उनको सच में लोगों के लिए काम करना है, हेल्थ केयर को लेकर काम करना है। सो आई बिलीव दैट दैट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग एज ए यंगस्टर टू लर्न फ्रॉम यू। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने शुरुआत में बोली कि आपके पास शुरुआत में इतने पैसे नहीं थे जब आप यंगस्टर थे, 16 साल की उम्र में थे, 15,000 रुपये में भी पेरेंट्स ने दिए होंगे, उससे आपने शुरू किया। मेन चीज़ आपने ये भी बोली कि इनिशियली आपको 200-300 रिजेक्शन आए, बट फिर भी आपने पहले स्टोर को कन्विंस कैसे किया, क्योंकि यूजुअली जब एक यंगस्टर या कोई बंदा सोचता है आइडिया, वो माइंड में तो सोच लेता बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, आपकी भी डिफरेंट हुई, तो उसको कन्विंस कैसे किया, क्योंकि पहले स्टेप में लोग फंस जाते हैं, उनको ऐसा आपने क्या समझाया कि वो भी बोल रहा होगा यार मैं इतने सालों से चला रहा हूँ, ये 15 साल 16 साल का बच्चा ऐसा क्या ही बता रहा है कि मैं उसकी बात मानूँ। पहले जो हम लोग जो कन्विंस करने का चीज़ शुरू होता है, मुझे लगता है कि हमारे घर से शुरू होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग को पहले हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, जब मतलब मैंने 15,000 भी मेरे पेरेंट्स से नहीं लिए थे, वो तो सेविंग्स, मतलब यहाँ वहाँ से मैंने अरेंज की, क्योंकि घर पे मैं बोलने जाता तो कौन से पेरेंट्स से आपको 16 साल की उम्र में सपोर्ट तो करेंगे नहीं, और वो भी उनकी भी सही बात है क्योंकि हम लोग ने जिंदगी में ऐसा कुछ अच्छा किया नहीं होता तब तक कि हम लोग को पेरेंट्स सपोर्ट करें। तो मैंने क्या किया शुरुआत के समय में, मैंने छोटे छोटे मेडिकल्स टू मेडिकल्स, जब मैं 200-300 मेडिकल्स गया, रिजेक्शन तो बहुत आए, मतलब अलग अलग लोग, और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम मेरे पूरे जर्नी में वो 300 लोगों के पास जाना था, क्योंकि 300 लोगों ने जो मुझे सिखाया, वो रिजेक्शंस ने जो मुझे सिखाया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक रिटेलर। मतलब आज हमारे देश की जो इकोनॉमी चलाता है वो कौन चलाता है, इंडिया में रिटेलर चलाता है। अगर जिस दिन आप रिटेलर को ऑन ग्राउंड कन्विंस कर सके तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हमारे देश में। तो मुझे लगता है मैं जब रिटेल टू रिटेल घूमता था तब जाके मतलब मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, एंड मेरा पहला मेडिकल स्टोर उसके बाद में कन्विंस हुआ। मैंने उनको बोला था कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारा है, अगर नुकसान हुआ तो मेरा 15,000 जाने वाला है ना। अरे आप वो 15,000 की जेनरिक मेडिसिन लेके, जेनरिक मेडिसिन, उनको पूरा स्टोर को आउटर लुक हो गया, जेनरिक आधार का टेक हो गया, कस्टमर सेंट्रिक हो गया, मेडिसिन हो गए, तो ये सब हम लोग ने पहले स्टोर में अरेंज, और डे वन से वो हम लोग का बहुत सक्सेस हो गया। एंड शुरुआत में आप पहली बार में आप मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन लेके कहाँ है, ये कोई जनरल बंदा भी ले सकता है क्या मास में? क्यों नहीं ले सकता, अवेलेबल है।
सी मैंने जो चीज़ की, मैंने अवेयरनेस प्लस जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल करवाई. ओके ठीक है. पहले होता है अवेयरनेस, अगर आपको पता ही नहीं है हाँ जेनरिक मेडिसिन क्या होती है तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे. मैंने पहले तो आपको समझाया, लोगों को समझाया कि जेनरिक मेडिसिन क्या है, वो चीज आपको कम में ले रहे हो तो लोग आएंगे. फिर मैंने वहां पर अवेलेबल भी करवाई, तो इकोसिस्टम बन गया. ओके. एक और चीज आपने बोली कि यार ये एमएनसीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, काफी मार्जिन्स में ऑपरेट करते हैं. आपने कोविड का भी एग्जांपल लिया, तो ये हम इंडस्ट्री देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जायंट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट कैप इनकी कंपनीज होती हैं, लॉबिंग करते हैं. मैं देखता हूँ कि यार इनिशियल लेवल में इंडिया में काफ़ी मेडिकल कंपनीज हैं, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, नमिता थापर की जो शार्क टैंक में थी उनकी भी, एम क्योर हो गया, फिर हमारे बायोकॉन हो गया, तो काफ़ी ग्लोबल ब्रांड्स बने. बट अभी क्यों नहीं वैसे ब्रांड्स बन रहे, अभी यंगस्टर्स क्यों नहीं उस फील्ड में एंट्री बना ना जेनरिक का दर अभी. हाँ आप तो भाई आप एक बने, बट और कैसे बन सकते हैं? नहीं आपने सही बोला कि आपने बढ़िया ब्रांड बनाया, तो और यंगस्टर्स को हम इस फील्ड में कैसे ला सकते हैं, क्या क्या गैप्स देखते हैं आप इस फील्ड में? नहीं मुझे लगता है हेल्थ केयर फार्मा इंडस्ट्री में जितना काम कर सकते हैं हमारे युवा, उतना काम करना चाहिए, सच में करना चाहिए. क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा जो रियल इंडिया, रियल भारत हम लोग जो कहते हैं, वो हमारा आज भी 40-50 किलोमीटर दूर है हमारे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद से, जो अर्बन सिटीज से. वहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं आज मतलब मैं ये उम्र में जितना हमारे देश में घुमाऊँगा, मुझे लगता नहीं कोई युवा हमारे पूरे देश में इतना घुमा होगा. गाँव गाँव में गया हूँ मैं, मेरे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ है. मतलब आज पूरे मिट्टी मिट्टी से हम लोग जाए और वहाँ पर हम लोग ने गाँव गाँव में जाके वहाँ पर स्टोर हम लोग ने इनॉग्रेट किया. तो मुझे लगता है कि हमारे देश में मतलब मैं आज जो समस्या देख रहा हूँ कि आज मेडिसिन एफोर्डेबल इज द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन. आज भी हमारे वुमन्स को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को एक गांव से दूसरे शहर जाना पड़ता है मेडिसिन खरीदने के लिए. अच्छा. मुझे लगता है आज हमको वो मतलब बंगाल होने दीजिए, बिहार होने दीजिए, झारखंड होने दीजिए, उड़ीसा होने दीजिए, इतने छोटे छोटे गाँव, उत्तर प्रदेश होने दीजिए, मुझे लगता है वहाँ पर जाके हमारे युवाओं ने सच में काम करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आप अगर हेल्थ केयर में जितना काम कर सकते उतना करना चाहिए. बट जितना मतलब खुद लर्निंग, मतलब आप खुद प्रॉब्लम्स ग्राउंड पे जाके जब तक देखेंगे नहीं. मैं अगर आज 10 प्रॉब्लम बता दूंगा हेल्थ केयर में ये चीज़ है, बट एग्जीक्यूटर मतलब मैं अलग एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, अलग अलग बंदे अलग अलग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. आई बिलीव उनको मतलब यंगस्टर्स को हेल्थ केयर में काम जरूर करना चाहिए, तो कोई भी फील्ड में अगर उनको सच में प्रॉब्लम दिखता है, अगर वो प्रॉब्लम दिखने के बाद में डू योर एग्जीक्यूशन, पायलट रन करिए, 100 लोगों के ऊपर करिए, 1000 लोगों के ऊपर करिए, यू विल गेट योर रिजल्ट्स. इफ दैट फर्स्ट 100,000 कंज्यूमर्स टेल गुड अबाउट योर सर्विसेज प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेंड 140 करोड़ ऑल्सो. मतलब बेचिए वो मत जब आपको बेचना है वो चीज़, बेचिए वो जो लोगों को खरीदना है ना यार. हाँ हाँ वो कस्टमर नीड समझना बहुत इंपॉर्टेंट, कस्टमर नीड समझना बहुत जरूरी है. हाँ आप रतन टाटा जी से काफी इंटरेक्ट भी करते होंगे, वो आपके मेंटर भी हैं, ऐसी क्या 2-3 चीजें आपने सीखी कि यार वो आपको लगा कि हाँ बहुत मजा आ गया है, ऐसी चीज सीखी कि आपके भी बिजनेस या लाइफ में काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि यंगस्टर्स को भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है. अलग अलग मौके पे अलग अलग चीज़ सीखी जाती है. मतलब मैं रतन टाटा सर से जितना सीखेंगे, मतलब वो तो एक ओपन बुक है, जितना आप उनसे ज्ञान ले सकते उतना मतलब उनको लेना हमको चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है हमारी इंडिया एज एन कंट्री, इंडियन यूथ आर फॉर्चुनेट टू गेट रतन टाटा सर बॉर्न इन आवर कंट्री इंडिया. तो मुझे लगता है उनसे जितना सीख सकते हैं हम लोग तो उतना सीखना चाहिए. बिकॉज उन्होंने उनके लाइफ में जितनी चीज़ें बनाई, एज अ कंपनीज बनाए, मतलब मुझे लगता है कोई स्टार्टअप फाउंडर मतलब 2-4 कंपनीज बनाता है, उन्होंने इतने कंपनीज बनाए, उनको लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लेके गए. तो मुझे लगता है कि उनसे सीखनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें. मतलब फेलियर से डील कैसे करें, चैलेंजेस से कैसे फेस करें, 0-1 कैसे जाए. बिकॉज 0-1 जाना जो पहली पड़ाव होता है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब 1-10 जाना जितना हम लोग सोचते उतना डिफिकल्ट नहीं होता. पहला होता है 0-1 जाना. अगर जेनरिक आधार में मतलब वो पहला स्टोर में कन्विंस नहीं करने जाता तो आज तो 3,000 स्टोर भी नहीं बनते. मान लो आप 50 रिजेक्शन का रुक जाते कि छोड़ो यार क्या होने वाला है, रहता हूं बैठ के. हाँ वो तो आप कर सकते थे क्योंकि 11-12 करके नॉर्मल आप पढ़ाई करते हैं, बट आपने वहां पे लगे रहे कि नहीं भाई 50 है तो 50 लर्निंग मिली, एक और बार मैं ट्राई करता हूँ. तो जब तक नहीं हुआ आपने छोड़ा नहीं. छोड़ा मतलब पेशेंस होना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग. मुझे लग आपने मेरा पहला पॉडकास्ट कब लिया था? मैं लिया था 4 साल पहले. 4 साल तब आपका सब्सक्राइबर कितने थे? बहुत कम थे, आई थिंक 100,000 या ऐसे कुछ होंगे. आज कितने? आज ऑलमोस्ट 500,000. कितना एक्स का? 5x का ग्रोथ किया. क्यों किया? आपने पेशेंस की वजह से किया. बिल्कुल. तो ये चीज सबको समझनी चाहिए कि पेशेंस अगर हो, कंटिन्यूसली आपने काम करते रहे ना, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. काम करते रहो. आई थिंक वही जो आपने पहले बोला वही रीजन था कि रतन टाटा जी ने भी आपको अप्रोच किया. आप अपना काम करते गए,
आपने अच्छा काम किया तो उन्होंने अप्रोच लोग आएंगे। मतलब आज मैं भी, मतलब अगर मुझे भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं तो देखूंगा ना, मैं उनमें नहीं करूंगा जो मेरे पास में आ रहे हैं। मैं देखूंगा अगर लोग सच में कोई हेल्थ केयर को लेके, सोसाइटी को लेके काम अच्छा कर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने की मेरी चाहत होगी ना। हाँ, आजकल आप काफी यंगस्टर से इंटरेक्ट करते होंगे, काफी जगह मिलते भी होंगे, टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में भी जानते होंगे। तो एक तरफ बताया जाता है कि यार इंडिया में जॉब्स नहीं है, जो जिसको मौका मिलता है वो बाहर चले आता है, चाहे डंकी मार के या बाहर पढ़ाई करने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए कि यार वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए या कुछ बढ़िया कर पाए इंडिया में रह के? आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या है एंड फ्यूचर ऑफ यूथ इन इंडिया क्या है? मुझे लगता है आज हमारा यूथ, इंडिया इज एन यूथ सेंट्रिक पॉपुलेशन। मतलब आज हमारे इंडिया ने, मुझे लगता है, चाइना को ओवरटेक कर दिया इन द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूथ के। तो मुझे लगता है कि आज हमारे यूथ अगर सच में चाहिए कि अच्छा प्रोडक्टिव करना है, इनोवेशन करना है, बिकॉज बहुत टैलेंट है, बहुत इनोवेशन है, बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ें लोग यूथ कर सकते हैं। मतलब आज मुझे 13-13 साल के बच्चे आके मिलते हैं कि भैया हमको भी बिजनेस शुरू करना है, आपको देख के इंस्पिरेशन मिली। तो आज मुझे लगता है जो माइंडसेट है ना, जो 13 साल के बच्चे में, 10 साल के बच्चे में, 15 साल के बच्चे में, वो चेंज होता जा रहा है। जिससे वो माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, आई बिलीव दैट अगर हमारे इंडियन यूथ व्हेन दे विल बी प्रोडक्ट, मतलब अगर आप चाइना का एग्जांपल ले ले, तो उन्होंने उनके यूथ को जो है उन्होंने प्रोडक्टिव बनाया, उनका लाइबिलिटी नहीं बनाया, एसेट बनाया। आज हमारे इंडियन यूथ इज बिकमिंग अवर कंट्रीज एसेट। अगर हमारे कंट्री का एसेट हमारे यूथ जिस दिन बन जाएगा ना, और 5-10 साल में, मुझे लगता है हमको यूएस में नहीं कहूंगा, हमको इंडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली आपको फोकस रह के काम करना है, प्रोडक्टिव बनना है, नई नई चीजें ट्राई करना है, एंड होपफुली तब आप कुछ कर पाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। अभी आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि आप जेनरिक मेडिसिन ले रहे हैं, क्या दूसरी कंपनी ये आपका मॉडल रेप्लिकेट नहीं कर सकती है? मतलब आपने अपने आपको डिफरेंशिएट कैसे किया है कॉम्पिटिटर से, क्योंकि आप तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं मेडिसिन? पहली बात तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, आज हमारे जितने भी रिटेल में आप जाएंगे तो हमारा टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, ठीक है, मेडिसिन से हमारे जेनरिक आधार के। अच्छा। ठीक है, कस्टमर एक बार जो मेडिसिन लेता है जेनरिक आधार को, वो तो हमेशा लेगा ही लेगा। हाँ। ठीक है, इकोसिस्टम बनाना ऐसे नहीं कि यार आज मन में आया तो कर दो शुरू, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों ने शुरुआत की, हो गया, क्योंकि ये आइडिया जब होता है ना, सी कॉपी करना किसी को, मैं तो बोलता हूँ कि आज मोदी जी भी जन औषधि करते हैं, वो हमको भी सपोर्ट करते। क्यों करते? क्योंकि ये एक मिशन है। अगर आप सच में एक मिशन के तरीके से कर रहे काम तो डेफिनेटली सक्सेस होना है। बट अगर आप वो बिजनेस के तरीके से करेंगे काम को कि 2 साल में पैसे बना लो, पैसा बना लो, तो ये इंडस्ट्री पैसे बनाने के लिए वैसे लोगों के लिए है ही नहीं। लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम नहीं बोल सकता हूँ, लॉन्ग टर्म सर्विस है। देखिए, पैसा तो आना ही आना है, अगर कंज्यूमर का नीड फुलफिल कर रहा है, उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो पैसे क्यों नहीं देंगे लोग? बाकी लोगों को अगर 5 शेयर देंगे, मुझे 1000 नहीं देंगे क्या? देंगे ना। वो चीज दे रहा हूँ तो प्रोसेस बनाइए, तो वो लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस होनी चाहिए। तो अर्जुन, अभी आप पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, एंड आपको कैसे मोटिवेशन मिलती है काम करने का? आपका ओवरऑल डे कैसा रहता है, एंड स्पेशली जब डाउन टाइम आता है? मतलब ज़रूरी नहीं हर दिन आपका बढ़िया चल रहा है, स्टार्टअप है, अप एंड डाउन्स भी आते होंगे, तो वो आपका सबसे बुरा पीरियड क्या था एंड उसको फिर आप ओवरकम कैसे करते हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की लाइफ जैसे कि आपको मतलब ऊपर नीचे से चलता रहता है। मैं मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, इट्स अ रियल ट्रूथ दैट जब सीनियर सिटीजन्स सर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं ना कि बेटा आपकी वजह से हमारा हर महीने का मेडिसिन का बिल बचता है, तो मुझे लगता है 20-22 साल के बच्चे के लिए ये मेरे लिए सच में मोटिवेशन है कि अगर किसी की आंखों के आंसू अगर मैं पहुँच पा रहा हूँ, सो उससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया में कुछ हो सकता है। और सुबह जिस दिन मैं उठता हूँ, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है झंडी कादर के बाद में कि सुबह उठने के बाद मैं आज मैं ये सोचता हूँ यार आज कुछ तो बोरिंग कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हर एक दिन कुछ ना कुछ तो अलग करना है, नया करना है, इनोवेशन करना है, मतलब कुछ तो नया करके आना है वापस। तो मुझे लगता है वो जिस दिन फीलिंग आपको आ जाती है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड जो मतलब अप्स एंड डाउन्स की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि कुछ था ही नहीं यार, हम लोग ने किया है, मतलब भगवान ने जो दिया है मुझे लगता है कि अब तो दिया ही है इस, मतलब जितना हम लोग थे, मतलब 10-16 ईयर्स का था तब तो कुछ ही नहीं था। मुझे लगता है जो दिया है लोगों के करने के हिसाब से भगवान ने दिया है, एंड वो हम लोग को करते रहना है, चीज को आगे बढ़ाते रहना है। तो कभी जब आपका बहुत वक्त बुरा होगा, वो क्या था एंड उसको फिर कैसे आप ओवरकम करते होंगे? हर दिन तो बढ़िया नहीं होता होगा ना? नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी बुरी ऐसा नहीं होता, काम करते रहना चाहिए। okay. कि अगर आप ये सोचेंगे, मतलब मेरे पर्सनल चीज़ से सोचेंगे, 15,000 रुपये से चीज़ शुरू की थी, तो 15,000 से मतलब उससे क्या है, आप हारना तो क्या ही है उसमें। हाँ।
आप समझ रहे मेरी बात को? तो वो मैं कभी जिंदगी में सोचता नहीं यार क्या है, अच्छा कर रहे हैं हम लोग, लोगों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, चीज को करते रहना चाहिए, हम लोग को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, करते रहना है। और मुझे लगता है आज हम लोग अगले 5 साल में देश की सबसे नंबर 1 चेन ऑफ फार्मा कंपनी बनेंगे पूरे देश में, हमारे हर एक गांव में प्रेजेंस होगा अगले 5 से 7 साल के अंदर। इंटरेस्टिंग, क्या पता फिर आप भी शार्क टैंक में एक शार्क बन के जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ऑल्सो हमने ये भी देखेंगे कुछ कुछ मेडिसिन काफी ज्यादा महंगी होते हैं। मैंने एक सुना था कि कुछ स्पाइन के लिए कुछ बच्चे को हो जाता है जिसके लिए आपको 1-2 इंजेक्शन मंगाने होते हैं, 18 करोड़ के इंजेक्शन होते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि ये सारा हाई प्राइस क्यों होता है, मतलब 18 करोड़ के इंजेक्शन ये सब इतना महंगा क्यों होता है? क्या सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा लग जाता है, या क्योंकि और किसी के पास वो मेडिसिन नहीं है तो कोई भी प्राइस में बेच पा रहे हैं? नहीं, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, मतलब मुझे उसके बारे में प्रॉपर देखना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर वो प्रोडक्ट है किसी के उसमें पेटेंट है, मतलब वो डिजीज जो आप कह रहे हैं स्पाइन का, बहुत रेयर डिजीज है। ओके, तो अगर उनको भी मासेस में वो लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते वो चीज़ का, तो लिमिट में करना। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा डालना है वो तो 1-time कॉस्ट ऑफ फिक्स है। Okay. तो अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स नहीं है तो उनको भी पैसे, मतलब जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए तो वो रिकवर कैसे होंगे? सो आई थिंक देर आर मेनी पैरामीटर्स, बट इन इंडिया 90% ऑफ द मेडिसिन जनरिक ही है। आप जो कह रहे हो बहुत रेयर प्रोडक्ट है, काफी यंगस्टर्स, काफी यूथ, जैसा आप बोल रहे टीयर 2 टीयर 3 टाउन से देख रहे होंगे, 10th 12th कॉलेज में होंगे, उनको भी कुछ बड़ा करना है, अपने सपने अचीव करने हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, पैसों की दिक्कत है, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? आप तो काफ़ी उसे मिले हैं, काफ़ी आपने ट्रैवल किया है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कुछ आइडियाज़ है, करना है ज़िंदगी में कुछ, तो एज शुड नॉट बी योर मतलब बैरियर। एज इज जस्ट ए नंबर, प्रूव इट दैट यू कैन बी एन इनोवेटर एनी ऑफ योर एज काइंड ऑफ, बिकॉज डोंट लेट एज कम्पीट विद इनोवेटिव आइडियाज। आपके उम्र को कभी आपके इनोवेटिव आइडियाज़ के बीच में मत आने देना। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 15 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, 50 साल का हूँ कि मैं अभी ये कैसे करूँ। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए उम्र नहीं होती है, आइडिया होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। वो अगर हो तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड वंडर्स इन टू द लाइफ। एंड एक बस में फाइनल ध्यान है कि आपने बोला आइडिया होना चाहिए। अब बहुत लोगों के हर दिन मन में आइडिया आते रहते हैं, आज सुबह ये सोच लिया, कल शाम ये सोच लिया, आप पता कैसे चलता है कि भैया ये आइडिया चलेगा कि नहीं? आपने भी तो जब सोचा हो कि हाँ भाई जेनरिक मेडिसिन बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही सोचा हो, बहुत लोगों ने शायद पहले भी सोचा हो, अभी भी सोचते हो, आपने क्रैक कैसे किया कि भैया ये चलेगा कि नहीं? वहीं पर लोग फंस जाते हैं। वो क्रैक पिक नहीं करने का, शुरू कर देने का। अच्छा, आप क्रैक करते रहेंगे तो क्रैक ही करते रहेंगे वो चीज को। एंड ये आपने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं किया कि यूजुअली होता क्या है ना कि आज एआई का वेव है, लोग सोचते हैं मैं एआई स्टार्टअप कर लेता हूँ, कल क्रिप्टो का वेव था, क्रिप्टो शुरू कर लेते हैं। आपने, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, इससे आप अटैच कैसे, क्योंकि आपने शुरुआत में बोला था कि पैशन होना बहुत जरूरी है, तो वो पैशन वो डेवलप कैसे होता है? क्योंकि आई एम श्योर आप ये पैसों के लिए तो नहीं कर रहे, पैसा बहुत तरीके से और कमा सकते हैं, तो वो पैशन कैसे डेवलप करते हैं? नहीं, ट्रेंड में किसी का कॉपी में तो जिंदगी में किया नहीं हूँ, मैं खुद का ट्रेंड हम लोग बनाते हैं। हाँ, लोग करते हैं ना, तो फिर आप लोग मेरा ट्रेंड अभी कॉपी करेंगे। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है ये जो चीज है ट्रेंड का, हम लोग को एक इनोवेशन, एक जब नया चीज आप करते हैं वो फुल फ्लेश करना है। आप तब मानिए कि आप सक्सेस कब है, कि आपके जैसे और 5-10 लोगों ने अगर ये चीज से कॉपी की, तब आप समझो, डरो मत, तब आप समझो कि आपने कुछ जिंदगी में अच्छा किया। आपको और इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप सही रास्ते पे हो, आप सही रास्ते पे हो ना। हाँ, अगर आप अच्छा करो इसलिए आप तो का कॉपी किया ना। हाँ बिल्कुल। और पहला कोई मतलब पानीपुरी वाला कोई तो है नीचे, उसको कोई कॉपी करने वाला है क्या? हाँ, नहीं करने वाला है। तो करेंगे तो किसी अच्छे को करेंगे, तो जब हाँ, मेरे ऊपर कोई मतलब कोई कॉपी करता है तो मैं वो मानता हूँ कि हाँ बाबा, मैं इतना तो अच्छा मैंने नहीं किया, बट मैं कुछ जो काम जो दिशा में जा रहा हूँ वो दिशा बराबर है। बिल्कुल, वो चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग। एंड अभी आपके इतने बिजी स्केड्यूल रहते हैं, आपको वक्त मिलता है अपने दोस्तों के साथ या घूमने का, जो भी एक यंगस्टर्स का होता है घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो वक्त मिलता है, या अभी आप सिर्फ मिशन पे ही फोकस्ड हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता घूमना वगैरह, तो मतलब ऐसा क्या माइंड में ही नहीं होता कि इतना दिन घूमना। मैं अब तक एक भी वैकेशन के लिए मुझे लगता नहीं चंडीगढ़ के बाद मैं गया हूँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा मतलब इच्छा, मतलब अभी घूमते घूमते अभी आपके पास में मैं आ गया। हाँ, हाँ। उसके अभी भी मैं यहाँ पर हूँ, फिर उसके बाद मैं अलग अलग जगह, लोगों से जितना बात करेंगे समझेंगे सीखेंगे, अभी आपसे मैं 10 चीज़ें सीखूंगा कि आपने कुछ तो अच्छा चीज़ बनाया है यूट्यूब में, आप भी लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आपसे 10 चीज़ें मैं सीखूंगा, और वो चीज मुझे लगता है एज अ पर्सन मुझे हेल्प करेगी इंप्रूव करने में। करेक्ट। सो एक दूसरे जितना कम्युनिकेशन करेंगे दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड सर्कल तो होता है, और वो तो डेफिनेटली
टाइम उतना मुझे लगता है, फ्रेंड है तो महीने में एक आध बार मिल गए तो भी बहुत हो जाता है. सो दैट इज द थिंग, बॉन्ड होता है. एंड एजुकेशन में आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने भी पता आपने 16 ईयर्स में शुरू किया, 12th आपने कंप्लीट करी, उसके बाद आपने कॉलेज किया या नहीं किया? मैंने तो, मतलब मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन हमारे सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है. हाँ, ओके. अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है उससे एजुकेशन मिलेगा. हाँ. और अभी आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज मुझे डिग्री दे रही है. Okay. तो मतलब मुझे लगता है अगर एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से, मुझे लगता है कि आपको काम करते रहना चाहिए. डिग्री जरूरी नहीं है, वो सिर्फ पेपर के लिए काम मत करिए डिग्री के लिए. आज इतने सारे लोग हैं जो मतलब अलग अलग फील्ड्स है, वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं. बिल्कुल, है ना. तो डिग्री लेके मतलब अच्छी बात है वो, बट अगर वो फील्ड में काम नहीं तो 3-4 साल वो इससे अच्छा, मतलब मैंने आज जो चंडीगढ़ में किया तो अर्ली टीन्स को मुझे लगता है अच्छा यूटिलाइज करिएगा. एंड जैसे भी जिसका जिसका है, मैं मेरे बात कर सकता हूँ. आई थिंक आप ऑनग्राउंड भी काफी सीखते हैं, जैसा आपने बोला कि मे बी आप कॉलेज जाके नहीं सीखे, बट जैसा बोल रहे कि बुक्स पढ़ा, बाहर जाके मिले, ये सारी चीजों से भी तो एजुकेशन हो रही है. करेक्ट. एंड ये ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन हो रही है, क्योंकि नॉर्मल आप कॉलेज जाते हैं तो थ्योरेटिकल ज्यादा फोकस होता है. अर्जुन, काफी मजा आया आपके साथ बात करके. 4 साल बाद हमने पॉडकास्ट लिया, काफी आपने स्केल कर लिया एंड काफी कुछ सीखने को मिला कि आप कोई भी एज छोटा नहीं अपना बिजनेस या स्टार्टअप करने का, एंड कैसे आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो. सही काम करोगे तो आपके पीछे चाहे सरकार हो या बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो, सब कुछ खड़े रहेंगे. तो होपफुली जेनरिक आधार को आप और स्केल करेंगे और बड़ा इम्पैक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. एंड होपफुली यूथ को भी काफी कुछ सीखने को मिला. तो ऑल द बेस्ट अर्जुन फॉर. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू.